वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदर टेक्निकल व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास ही आया है 900 VA का इन्वेटर है, माइक्रोटेक का इन्वेटर है और कस्टमर कह रहा है कि भी इसमें जो है चार्जिंग की प्रॉब्लम है और बाकी इन्वेटर हमारा ठीक चलता है लेकिन बैटरी ये चार्ज नहीं कर रहा है और बिजल की आवाज़ देता है। तो चलो देखते हैं इसको, हम इसके अंदर बैटरी का कनेक्शन करते हैं और बैटरी का कनेक्शन करने के बाद आपको दिखाते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो जैसे हमारा ये मेन लाइन है, ये बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं पहले हम इसमें, तो आपको हम दिखाते हैं। हम ये बैटरी के प्लस लगाते हैं इसमें और माइनस इस बैटरी में लगाते हैं। तो ये हमारा भी इन्वर्टर बैटरी के कनेक्शन हो गए और हम इसमें भी ये मेन लगा देते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको ऑन करेंगे पहले इसके हम आउटपुट लगा देते हैं, आउटपुट भी ज़रूरी है, ये आउटपुट हमने लगा दी। और जैसे हम इन्वर्टर ऑन करते हैं, ये अभी हमने MCB नहीं उठाई थी इसकी, तो MCB उठा देते हैं। देखिए ये इन्वर्टर ऑन हो गया और मीटर में शो हो गया वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे अभी हम इसके अंदर मेन ऑन करेंगे तो ये देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, मेन्स जो है इंडिकेटर बन गई और CB ट्रिप की प्रॉब्लम भी है इसमें। लेकिन जैसे इसको हम ऑफ करते हैं इन्वर्टर को तो बसल तो बंद हो जाता है लेकिन कंडीशन सेम रहती है। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं और खोल के इसकी कंडीशन क्या है वो आपको दिखाते हैं। इसकी हम मेन लाइन ऑफ कर देते हैं, MCB बैटरी को डिसकनेक्ट कर देते हैं और इसको हम खोलते हैं, खोल के हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो देखी होगी पहले भी, तो उसमें भी सेम ऐसे एक दो फॉल्ट हमने वीडियो बनाई थी और उसमें भी सेम 19-20 का सोल्यूशन होता ही है। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना और जो भी इसमें फॉल्ट हो हम आपको दिखाएंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। तो अभी खोलते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये हमने इन्वर्टर का कवर उतार दिया है और हमने देखा इसमें ये माइक्रोटेक की किट नहीं है, ये मार्केट किट है, लाजपत राय मार्केट दिल्ली, वहाँ से किट लगाई हुई है। ये लोकल किट है और इसमें देखिए इसमें उस दुकान वाले का नाम भी लिखा हुआ है, विपुल करके एक दुकान है, उसका ये दुकान का नाम है, चिक लगी हुई इसकी, ये विपुल की ही है ये। और किट तो ठीक है लेकिन ये कंपनी की नहीं है, माइक्रोटेक की नहीं है ये, और इसी वजह से शायद फंक्शन भी थोड़े से इनके आउट किए हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं खोल के इसमें क्या फॉल्ट है ये और एक एक चीज़ हम इसकी चेक कर लेते हैं, जहाँ तक भी इसका प्रोसीजर है चेक करने का वो चेक कर लेते हैं और चेक करके फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या फॉल्ट है। तो कोशिश करेंगे इसको किट को जल्दी से जल्दी ठीक करने की, फिर भी जो टाइम लगेगा थोड़ा सा वो आपको देखना पड़ेगा। और मेरी गुजारिश ये है कि आप पूरी तरह से इसको वीडियो को देखें और जो भी इसमें फॉल्ट हो आपके सामने ही ठीक किया जाएगा। तो इसमें हम फिलहाल किट को चेक कर लेते हैं। इसमें जो एक प्रीसेट है वो तो कंपलसरी वो तो चेंज करना पड़ता ही है क्योंकि इसका प्रीसेट तो वैसे भी ख़राब कर रखा था घुमा घुमा के, जिस मिस्त्री को इसने दिखाया होगा। तो फिलहाल एक प्रीसेट अब इसमें हम डाल रहे हैं और प्रीसेट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये प्रीसेट है, ये 202 का है। तो देखते हैं अभी फ़िलहाल इसको प्रीसेट को डाल के, अगर भी इस प्रीसेट को डालने से ठीक हो जाता है तो वेरी गुड, और अगर सेम प्रॉब्लम रही तो फिर इसकी IC की प्रॉब्लम हो सकती है। तो IC भी डाल लेंगे हम, IC डाल के चेक कर लेंगे। और इसमें एक रिले की मैं आपको बताता हूँ, एक रिले की प्रॉब्लम तो इसमें है, तो वो रिले भी डलेगी और जो एक रिले बची हुई इन्वर्टर वाली वो रिले ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे उसको भी चेंज ही कर देंगे
क्योंकि जो लोड कस्टमर ने चला रखा है तो हो सकता है दोनों रेलों पे ही बराबर चलाया हो, बिजली पे भी चला रखा हो और इन्वर्टर पे भी चलाया हो उसने, तो इसलिए हम दोनों रिले चेंज करेंगे इसकी, और आईसी चेंज करेंगे और एक ही प्रीसेट, यही ऑप्शन है इन दो में से अपना कि ये सेट बिल्कुल ओके हो जाएगा, क्योंकि रिले की वजह से प्रॉब्लम होती है और आईसी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल अभी हम ये प्रीसेट लगा रहे और लगा के फिर आपको दिखा देते हैं कि कितना वर्क कर रहा है कितना वर्क नहीं कर रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं इसको। चेकिंग करके देखते हैं प्रीसेट की। जैक चेक कर लेते हैं और जैक चेक करने पे अगर ओके होता ठीक है, और उसके बाद आईसी ही चेंज करनी पड़ेगी फिर हमें। ये आईसी है, ये आईसी बदल के देख रहे हैं। ये हमारा सर्किट ठीक हो गया है और इसमें मैंने आपको बताया जैसे कि आईसी डली है इसमें और एक ही प्रीसेट डला हुआ है, आप देख सकते हो, और इसमें दो रिले चेंज हुई है, और ये इसका पुराना सामान ये रखा हुआ है, ये आईसी है, दोनों रिले हैं और ये प्रीसेट है। तो इसके अंदर ये फाल्ट था जो कि हमने अब सोल्यूशन कर दिया, इसका सॉल्व हो गया है, आप देख सकते हो मेन और चार्जिंग शुरू हो गई। और हम एक बार इसको इन्वर्टर को ऑफ करके आपको दिखा देते हैं, ये वोल्टेज देख सकते हो आप और ये इन्वर्टर ऑन। ठीक है दोस्तों, और हमारी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट करें, तो हम उसको ज़रूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।